तो दोस्तों, अगर आपके भी फ़ोन पे ऑटो वीपीएन डिसकनेक्ट हो रहा है तो आज की वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखें। वैसे तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो दी हुई है, लेकिन बहुत सारे भाई साहबों ने जो कि मुझे कमेंट्स किया कि हमारे फ़ोन पे ये ऑप्शन नहीं है, ये सेटिंग नहीं है, तो उसी बात को लेकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने वो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया हुआ है, जिससे कि अगर आपका वीपीएन ऑटो डिसकनेक्ट हो जा रहा था, वो डिसकनेक्ट नहीं होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे फोन पे जो ऑटो वीपीएन डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज की वीडियो हम यही सीखेंगे। तो गाइस, करना क्या होगा, अगर आपके फोन से ऑटो वीपीएन डिस्कनेक्ट हो जाता है, अगर आप अपने फोन पे वीपीएन को कनेक्ट करते हैं इसलिए कि आप अपने फोन पे पबजी जैसे गेम को खेल सकें, लेकिन जैसे ही आप अपने फोन पे वीपीएन को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर अपने गेम को ओपन करते हैं, तो वैसे ही आपका वीपीएन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आखिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो गाइस देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपके एक ऐप को इंस्टॉल करना, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है गाइस। तो आपको उस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आपको उस ऐप को सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों गेम बूस्टर। हाँ गाइस, आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है, और इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे गाइस आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, तो आप स्टार्ट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ से देखो गाइस, मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से परमिशन वगैरह मांगे तो आप अलाउ कर देना, ठीक है, ऑप्शन अलाउ कर देना है। एंड अलाउ करने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है गाइस। आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ से बूस्ट का ऑप्शन मिलता है, नीचे अल्ट्रा बूस्ट एंड जेपसिल टूल्स। तो गाइस आपको इनमें क्या करना है, आपको नीचे देखिए टॉप एक गेम एप टू बूस्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसमें क्लिक करना है, ठीक है, ऐड गेम पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे ऐड गेम पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ से आपके फोन के जितने भी एप्लीकेशन होंगे सारे ओपन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपनी वीपीएन को सेलेक्ट करना होगा। तो वीपीएन जो भी आप अपने फोन पे इंस्टॉल किए हैं, आप उस वीपीएन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ से गाइस मैं पावर वीपीएन को यूज करता हूँ, तो यहाँ से हम पावर वीपीएन को ढूंढ लेते हैं, उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो गाइस, यहाँ से पावर वीपीएन मिल चुकी है, और इसे मैं सिंपली यहाँ से इनेबल कर दूंगा, और उसके बाद जिस भी गेम को हम खेलते हैं, जैसे कि पबजी गेम को, तो यहाँ से हम पबजी गेम को यहाँ से इनेबल कर लेते हैं। तो दो गेम को हम यहाँ से इनेबल कर चुके हैं, आप देख सकते हैं हमने दो गेम को यहाँ से सेलेक्ट किया, बैक हो जाते हैं। तो यहाँ से बैक होने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर वीपीएन और पबजी मोबाइल जो कि हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब सिंपली हमें करना क्या है, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, रैम बूस्ट ऑप्शन, यहाँ से अगर ये अनचेक हो तो आप इसे चेक कर देना, जो कि मेरा ऑलरेडी है, तो मैं इसे बैक कर लेते हैं। और बैक करने के बाद अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको बूस्ट का ऑप्शन मिलता है, आप जैसे इसमें क्लिक कर देंगे ना गाइस, तो आपका गेम ओपन हो जाएगा। बट यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। अब उसके बाद देखो गाइस, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से पूरी तरह से हो जाना है बाहर, ठीक है गाइस। आपको यहाँ से मेन्यू पे जाना है, तो यहाँ से हम मेन्यू पे आ जाते हैं, और मेन्यू पे आने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ से आपको फिर अपनी वीपीएन को कनेक्ट करना होगा। लेकिन वीपीएन कनेक्ट करने से पहले हमें एक सेटिंग और नहीं होगी, वो क्या है, तो यहाँ से डायरेक्टली आपको सेटिंग के ब्राउजर पे जाना, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हम अपने फोन की सेटिंग पे चले जाते हैं। देखिए गाइस, यहाँ से हम अपने फोन की सेटिंग पे आ चुके हैं, और यहाँ से फिर सिंपली हमें ऐप नोटिफिकेशन मिले, तो उसमें हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐप नोटिफिकेशन जो कि मेरे फोन पे दिखा रहा है, तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ। एंड इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें करना क्या है, जो भी हम अपने फ़ोन पे वीपीएन को इंस्टॉल किए हैं, तो यहाँ पे हमें उस वीपीएन ऐप को यहाँ पे ढूंढना होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो गाइस, ये लोडिंग हो रहा है, तो वेट करते हैं। तो यहाँ से गाइस देखो, हमारे फ़ोन के सारे एप्लीकेशन शो हो चुके हैं, तो यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, पावर वीपीएन को यहाँ से ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम पावर वीपीएन को फटाफट जो कि सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसमें क्या करना है हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से देखो गाइस, हमें पावर वीपीएन मिल चुका है, तो हम इसमें क्लिक करते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद सिंपली हमें करना क्या है, तो यहाँ से देखिए गाइस, आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें क्लिक कर दें। स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद क्लियर कैश और क्लियर डाटा जो भी ऑप्शन मिले, दोनों आपको दोनों को ओके कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, आपको अपने फोन पे वीपीएन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कनेक्ट कर लीजिए, कनेक्ट करने के बाद सिंपली आप अपने गेम को ओपन करिए, आपका वीपीएन ऑटो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, कि अगर आपके फोन पे वीपीएन ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो आप इन दो तरीकों से अपने वीपीएन को डिस्कनेक्ट होने से रोक सकते हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।